नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की चार बड़ी खबरों के साथ, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। पहली बड़ी खबर, यूपी के चुनाव में अब सर्दी गर्मी के बाद क्रिकेट की एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव का कहना है कि बाबा सीएम ने तो बॉलिंग कर पाते हैं और ना ही बैटिंग कर पाते हैं। इधर योगी ने भी पलटवार किया और कहा कि कल तक जो चाचा नेताजी के सिपहसालार थे उन्हें बैठने के लिए भी किस तरीके से सीट नहीं मिल रही है। दूसरी बड़ी खबर क्या है ये भी आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव को एक बार फिर बुल पर भारी भरोसा हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि ऐलान कर रहे हैं कि सरकार बनेगी तो सबसे पहले बुल को ही भगाएंगे। इधर बीजेपी है जो ये कह रही है कि करल की लड़ाई में ही बबुआ को हराएंगे और उनकी सियासी दुकान हम बंद कर देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूं अगली दो बड़ी खबरें जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। तीसरे चरण में अखिलेश का ये दावा है कि चौथे चरण तक ही समाजवादी पार्टी की सरकार सुनिश्चित हो जाएगी, जबकि बीजेपी ने दावा किया है कि करहल को जीतकर ही जीत की ट्रिपल सेंचुरी लगाई जाएगी। अब इन दावों के बीच कल 59 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी, तो देखना होगा कि बाजी कौन मारता है और किसके दावे सच साबित होते हैं। और अब चौथी बड़ी खबर भी जान लीजिए, आज अमित शाह पूर्वांचल को जीतने का विजय मंत्र बीजेपी को देंगे। लखनऊ में पांचवें, छठे और सातवें चरण को लेकर मंथन होगा, जिसमें जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। आगे की रणनीति पर बीजेपी पूरा फोकस कर रही है और संगठन की बैठक भी आज रात ही होने जा रही है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर जो कि यूपी चुनाव से जुड़ी हुई है। सर्दी गर्मी के बाद यूपी चुनाव में अब क्रिकेट की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर बड़ा हमला। बिल्कुल, तो देखिए, कहा कि बाबा को क्रिकेट खेलना आता ही नहीं है, बाबा ना बॉलिंग कर पाते हैं और ना ही बैटिंग। तो किस तरीके से एक के बाद एक एंट्री यहाँ पर किसी ना किसी चीज की उत्तर प्रदेश की सियासत में होती हुई नजर आ रही है और अब क्रिकेट की एंट्री भी हो चुकी है उत्तर प्रदेश की सियासत में। यूपी में अब बल्ले पर सियासी हल्ला। बाबा योगी ना बॉलिंग कर पा रहे हैं ना बैटिंग कर पा रहे हैं। गर्मी सर्दी के बाद अब क्रिकेट फीवर। हमने तो ये गर्मी शांत करने के लिए पहले ही एटीएस का सेंटर यहाँ दे दिया है। बाबा जी खुद कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं। बाबा की बॉलिंग पर अखिलेश बोल्ड। उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। पहले गुंडागर्दी माफिया दंगाई, फिर गर्मी सर्दी पर हुई सियासी चढ़ाई, तीसरे दौर में अब यूपी की लड़ाई क्रिकेट बल्ले पर आई। हम लोग तो क्रिकेट वगैरह भी खेल लेते हैं, लेकिन बाबा योगी ना बॉलिंग कर पा रहे हैं ना बैटिंग कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्रिकेट के जरिए वोट के रन को बटोरने की जुगत लगा रहे हैं। बबुआ को लगता है कि क्रिकेट के मैदान में वो बाबा को क्लीन बोल्ड कर देंगे और सियासी मैदान मार ले जाएंगे, लेकिन उनका ये दांव भी उल्टा ही पड़ता दिख रहा है। योगी ने एक बार फिर उन्हें हिट विकेट कर दिया है। समाजवादी बबुआ अपने ही घर में घिरे नजर आ रहे हैं। हम लोग तो क्रिकेट वगैरह भी खेल लेते हैं, लेकिन बाबा योगी ना बॉलिंग कर पा रहे हैं ना बैटिंग कर पा रहे हैं। बाबा जी खुद कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं। नेताजी का प्रमुख सिपहसालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। शिवपाल यादव कभी नेताजी के सिपहसालार होते थे, लेकिन अब उन्हें बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिलती। भगवा दल ने बबुआ को उनके घर परिवार में इस कदर घेर रखा है कि गढ़ बचाए रखने के लिए पूरा समाजवादी कुनबा मैनपुरी में डेरा जमाए हैं। इसके बावजूद सियासी पीच में बबुआ की हालत खराब है। अखिलेश पहले कह रहे थे कि यूपी को योगी नहीं योग्य सीएम चाहिए, योगी अनुपयोगी है, बाबा को लैपटॉप तो छोड़िए स्मार्टफोन तक चलाना नहीं आता, लेकिन अब बबुआ कह रहे हैं कि बाबा को क्रिकेट खेलना नहीं आता। सवाल यह है कि क्रिकेट और राजनीति का क्या मैच? क्या बुलडोजर चलाने के लिए क्रिकेट आना जरूरी है? योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। इनका नाम आज से अनुपयोगी विश्व नाम है। प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी,
सुशासन का बुलडोजर चलाकर बाबा ने यूपी की तस्वीर बदल दी। गुंडे माफिया का दम निकल गया है। हताश बबुआ एक बार फिर गुंडों के भरोसे समाजवादी सरकार लाना चाहते हैं, इसलिए हर जुगत लगा रहे हैं। फ्री का झांसा देने के बाद भी उन्हें जनता का भरोसा नहीं मिल रहा, लिहाजा कहते घूम रहे कि बाबा को कुछ आता नहीं। फैसला अब यूपी की जनता को करना है कि यूपी के लिए बाबा योग्य है या बबुआ। 10 मार्च को यह तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरे और चौथे चरण में अखिलेश यादव को अब बुल का सहारा है। जी हाँ, बुल से इंसान को नुकसान, तो 5 लाख मुआवजा हम देंगे अगर हमारी सरकार आएगी, ये बात कही अखिलेश यादव। और देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रहार करते नजर आए अखिलेश यादव। बाबा सीएम ना लैपटॉप चला पा रहे, ना बुल भगा पा रहे, चौथे चरण तक ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, ये भी दावा कर रहे अखिलेश यादव। पुल दिलाएगा वोट, सिंह से करेगा चोर। चुनाव का तीसरा चरण सांड का सुमिरन। महारथी बबुआ का सांड वाला सारथी। बुलडोजर वर्सेस बुल, वोट मिलेगा ईवीएम फुल। सांड पर छिड़ा हुआ है रण, बबुआ नहीं छोड़ रहे सांड का साथ। सांड के पीछे छुपकर लगा रहे घात और कर रहे विरोधियों पर प्रहार। उम्मीद लगाए बैठे कि सांड इस समस्या का समाधान कराएगा। जो काम नेताजी न कर पाए करहल में, वही काम सांड करा जाएगा। इसलिए बबुआ को हर रैली हर जनसभा में सांड याद आता है। सांड के सहारे ही टीपू साइकिल पर चढ़कर सुल्तान बन जाना चाहते हैं। न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड की वजह से, और अन्य जानवरों की वजह से एक्सीडेंट होकर के न जाने कितनों की जान चली गई। एक तरफ से पुल की बात हो रही है, बबुआ कह रहे हैं कि सांड ही यूपी की सबसे बड़ी समस्या है और सांड की समस्या से निजात दिला पाना ही उनका पहला टारगेट है। लेकिन बीजेपी को बुलडोजर पर पूरा भरोसा है और बीजेपी का बुलडोजर रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप गया हुआ है। अगर जानवर के मारने से, सांड के सींग के मारने से अगर किसी की भी जान गई होगी तो सरकार से 5 लाख रुपए से उसकी मदद करने का काम करेंगे। प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। एक तरफ अखिलेश दावा कर रहे कि 2 चरणों में ही सेंचुरी लग चुकी है, तीसरे और चौथे चरण में तो बंपर जीत मिल जाएगी, तो बीजेपी का दावा है कि जनता साइकिल को पंचर कर देगी। पहले चरण दूसरे चरण में जनता ने शतक लगा दिया है, तीसरे चौथे चरण का जब तक वोट खत्म होगा तो दोहरा शतक लग चुका होगा। चारों के चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। तीसरे चरण के रण में चंद घंटे ही बचे हैं, दावे दोनों तरफ से भरपूर हुए हैं। फैसला जनता करेगी और बताएगी कि पुल से ज्यादा परेशानी या फिर बुलडोजर अब यूपी की निशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। देखिए तीसरे चरण में करहल, यहां सबसे बड़ी सियासी लड़ाई है। बुलडोजर रिपेयर होने गया है, फिर दौड़ेगा, ये बात कहते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चौथे चरण तक लग जाएगी जीत की डबल सेंचुरी, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। सातवें चरण तक तो बीजेपी के बूथ पर सिर्फ और सिर्फ भूत ही नजर आएंगे, लोग तो वहां पर होंगे नहीं। तो देखिए एक तरफ योगी आदित्यनाथ बार बार बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 10 मार्च के बाद उनकी सरकार आ रही है और फिर बुलडोजर चलेगा, अभी रेस्ट पर है। तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए 10 मार्च के बाद जितने भी बीजेपी के बूथ हैं वहां पर से भूत ही भूत नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ से यह बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ में आज शाम बीजेपी नेताओं की अहम बैठक होनी है, बैठक में चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण के लिए रणनीति बनेगी।
तो देखिए अगले जो चरण हैं उनके लिए क्या रणनीति होगी, क्या जीत का मंत्र होगा, वहीं देते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आज ये बैठक बेहद अहम होगी और इस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह शामिल होंगे, उन्हीं की अगुवाई में ये बैठक होने वाली है और अगले चार चरण के प्रचार की रूपरेखा इस बैठक में तैयार होगी। और इसी के साथ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, फॉरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।